आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, मतलब कि ट्रांसमिशन लाइन किस प्रकार से बांटी जाती है, वह कितने प्रकार की होती है। दोस्तों आज का हमारा यह टॉपिक उन लोगों के लिए खास इंपॉर्टेंट है जो कि किसी इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर हमसे ट्रांसमिशन लाइन से कई सवाल पूछे जाते हैं जिसके अंदर से एक सवाल ट्रांसमिशन लाइन के प्रकार से भी जुड़ा होता है। तो दोस्तों ऐसा सवाल पूछे जाने पर हम में से अधिकतर जने जो आंसर देते हैं वो देते हैं कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन दो प्रकार की बटी होती है, एक हो जाती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और सेकंड हो जाती है हमारी पावर ट्रांसमिशन लाइन। लेकिन दोस्तों कुछ कुछ केसेस में तो इंटरव्यूअर आपसे इसी के बारे में और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्या होती है या फिर पावर ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है। लेकिन कई केस में इंटरव्यूअर आपसे अगेन में क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैं आपसे अभी ट्रांसमिशन लाइन को किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं वो पूछ रहा हूं, मतलब कि हमारी जो पावर ट्रांसमिशन लाइन है या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है इनको हम किस तरीके से बांटते हैं। तो दोस्तों उसी क्वेश्चन का जवाब आज के इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। और अगर आपके मन में इसके बारे में क्वेश्चन है कि आखिर पावर ट्रांसमिशन लाइन क्या है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन लाइन क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको वीडियो का लिंक एंड स्क्रीन में सजेशन में मिल जाएगा। अभी के लिए हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जब भी हमारी ट्रांसमिशन लाइन को बांटने की बात आती है तो ये हमारे दो टाइप्स की हो जाती है। नंबर वन हो जाती है हमारी एसी ट्रांसमिशन लाइन और सेकंड हो जाती है हमारी डीसी ट्रांसमिशन लाइन। अब कई लोगों के मन में एक और क्वेश्चन यही भी आ जाएगा कि आखिर ये डीसी ट्रांसमिशन लाइन में कब से यूज होने लगे। तो दोस्तों बिल्कुल डीसी ट्रांसमिशन लाइन भी उपयोग में ली जाती है और भारत के अंदर भी कई समय से एचवीडीसी लाइन को उपयोग में लिया जा रहा है। तो दोस्तों अभी इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा डीसी ट्रांसमिशन लाइन कहां पे उपयोग में ली जा रही है, लेकिन सबसे पहले हम एसी ट्रांसमिशन लाइन की बात कर लेते हैं कि आखिर ये कितने प्रकार की होती है। दोस्तों एसी ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो इसको तीन भागों में बांटा जाता है। सबसे पहली हो जाती है हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, सेकंड हो जाती है दोस्तों हमारी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और तीसरे नंबर की बात करें तो वो हो जाती है हमारी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो यह तीन टाइप आपको समझ में आ गए। दोस्तों यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी जब हम ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं तो यहां पर हम इसको वोल्टेज के आधार पर नहीं बांट रहे होते हैं, यहां पर हम ट्रांसमिशन लाइन को उसकी लेंथ के आधार पर बांट रहे होते हैं, मतलब डिस्टेंस के आधार पर। एक पॉइंट तो यह है जहां पर हम पावर जनरेट कर रहे हैं और दूसरा पॉइंट यह जहां पर हमको पावर को कंजप्शन कर रहा है, जहां पर हमको पावर को रिसीव करना है। तो दोस्तों इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी के आधार पर ही हम चूज करेंगे कि हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो हम कौन सी उपयोग में ले। सबसे पहली चीज तो ये डिसाइड करेंगे कि हम एसी ट्रांसमिशन लाइन उपयोग लेंगे या डीसी ट्रांसमिशन, और अगर एसी ट्रांसमिशन भी उपयोग ले रहे हैं तो इसके अंदर हम कौन सी लेंगे, शॉर्ट मीडियम या फिर लॉन्ग ट्रांसमिशन। तो अब दोस्तों शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग में क्या अंतर है, पहले हम इस पर बात करते हैं फिर हम डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करेंगे। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हमारी वो सभी ट्रांसमिशन लाइन आ जाती है जिसकी दूरी हमारी 0 से लेके 80 किलोमीटर तक की होती है, मतलब कि हमारे सेंडिंग पॉइंट और रिसीविंग पॉइंट इन दोनों के बीच की दूरी मात्र 80 किलोमीटर या फिर इससे कम है, तो वहां पे जो हम ट्रांसमिशन लाइन उपयोग में लेंगे वो हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन ही कहलाएगी। और दोस्तों शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के हम वोल्टेज की बात करें कि हमारे इसका वोल्टेज लेवल कितना रहता है, तो दोस्तों मैक्सिमम इसका वोल्टेज लेवल 69 केवी तक होता है, मतलब कि दोस्तों जब हमारी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अधिकतम 80 किलोमीटर तक ही होती है तो उस समय हम जो वोल्टेज का उपयोग करते हैं वो उस समय मैक्सिमम 69 केवी मतलब कि 69,000 वोल्टेज तक की लाइन को उपयोग में ले लेते हैं। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आ जाती है हमारी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। अब ये मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कहां से कहां तक स्टार्ट होती है, तो दोस्तों जब हमारी जो डिस्टेंस है वो हमारी डिस्टेंस सेंडिंग पॉइंट से 80 किलोमीटर के ऊपर चले जाती है, मतलब 80 किलोमीटर से ज्यादा और दोस्तों मैक्सिमम 240 किलोमीटर तक की रह जाती है, तो उस समय हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन उपयोग में ली जाती है उसको बोला जाता है दोस्तों मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। और दोस्तों अगर हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के ऑपरेशनल वोल्टेज की बात करें तो यहां पर जो हमारे वोल्टेज आते हैं वो स्टार्ट होता है 69 केवी से, जो मैक्सिमम जाते हैं 133 केवी तक, मतलब 133,000 वोल्टेज तक। और दोस्तों इसके बाद में हमारी एसी ट्रांसमिशन लाइन की आखिरी लाइन बच जाती है जो कि है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। इस ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग तब किया जाता है जब हमारी जो डिस्टेंस है वो हमारी 240 किलोमीटर के ऊपर बढ़ जाती है, मतलब कि मोर देन 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर के ऊपर की जितनी भी डिस्टेंस है उस समय हम जो ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग लेते हैं वो हमारी ट्रांसमिशन लाइन पावर ट्रांसमिशन लाइन के अंदर काउंट होती है। और दोस्तों इसके अगर हम ऑपरेशनल वोल्टेज लेवल की बात करें तो दोस्तों 133 केवी के ऊपर के जितने भी वोल्टेज लेवल है वो हमारे वोल्टेज लेवल लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में ही उपयोग होते हैं, तो इन सभी बातों का आपको आगे से ध्यान रखना है। अभी तक हमने हमारी पहली ट्रांसमिशन लाइन की बात कर ली जो कि हो गई हमारी एसी ट्रांसमिशन लाइन। अब हमारी सेकंड ट्रांसमिशन लाइन आ जाती है जो कि है डीसी ट्रांसमिशन लाइन। सबसे पहले तो कई लोगों के मन में यहाँ पे यह कंफ्यूजन है क्या डीसी ट्रांसमिशन लाइन को उपयोग में लिया जाता है, तो दोस्तों बिल्कुल डीसी ट्रांसमिशन लाइन उपयोग में ली जाती है। और अब आप पूछेंगे कि ये कहाँ पे उपयोग ली जाती है, तो दोस्तों इसका उपयोग उस जगह किया जाता है जहां पर हमारी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस काफी लॉन्ग है, काफी ज्यादा दूरी पर हमको जब पावर को ट्रांसमिट करना होता है तो उस समय हम जो ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग लेते हैं वो हमारी डीसी ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग लेते हैं।
और दोस्तों यहाँ पर बात करें कि हम डीसी सिस्टम का उपयोग क्यों करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो इसके पीछे का रीजन है द डीसी इज लेस एक्सपेंसिव एंड हैज लो इलेक्ट्रिकल लॉसेज। मतलब कि जो डीसी ट्रांसमिशन लाइन होती है वो हमारी सस्ती पड़ती है, हमारे उसमें खर्चे कम रहते हैं और साथ साथ दोस्तों डीसी के अंदर जो लॉसेज होते हैं इलेक्ट्रिकल के वो लॉसेज भी कम हो जाते हैं। पर दोस्तों डीसी जो सिस्टम होता है वो डीसी सिस्टम तभी हमारे फायदा पहुंचाता है जब हम काफी ज्यादा हायर डिस्टेंस पे ट्रांसमिशन लाइन को उपयोग में ले रहे हैं। अगर हम कम डिस्टेंस पे उपयोग में लेंगे तो हमारी जो डीसी सिस्टम है वो हमारे लिए और महंगा पड़ेगा। तो डीसी सिस्टम का जो उपयोग किया जाता है वो तभी किया जाता है जब हमारी जो डिस्टेंस है वो सेंडिंग पॉइंट और रिसीविंग पॉइंट की काफी ज्यादा है, तभी हम डीसी सिस्टम का उपयोग लेते हैं। और दोस्तों एक और पॉइंट जो कि वीडियो के स्टार्टिंग मैंने आपको बोला था कि डीसी सिस्टम का भारत में कहाँ पे उपयोग लिया जा रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों भारत के अंदर कई जगह डीसी सिस्टम का उपयोग लिया जा रहा है, आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हो डीसी ट्रांसमिशन लाइन इन इंडिया, आप ऐसा लिख के सर्च करेंगे आपको कई सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, आपको एक दो एग्जाम्पल नहीं आपको 100-150 एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। अगर अभी मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल की बात करूं तो दोस्तों जो मैं अभी आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं यह एग्जाम्पल पे जो डीसी सिस्टम है वो 1990 से उपयोग लिया जा रहा है, मतलब आज के एक दो साल पहले नहीं 1990 से हमारे जो डीसी सिस्टम है उसको उपयोग में लिया जा रहा है। और यह जो डीसी सिस्टम की लाइन उपयोग में ली जा रही है वो हमारे 500 केवी की लाइन, मतलब 5 लाख वोल्टेज की लाइन उपयोग में ली जा रही है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन यह भी आएगा कि आखिर ये जो ट्रांसमिशन लाइन है ये ट्रांसमिशन लाइन कहां से कहां पर पावर को भेजने के लिए उपयोग ली जा रही है। तो दोस्तों यह जो ट्रांसमिशन लाइन है ये हमारे रिहन पावर स्टेशन से हमारी बिजली को दादरी उत्तर प्रदेश में भेज रही है। यह हमारा दादरी कहां पड़ता है तो यह हमारे दिल्ली से मात्र 60-70 किलोमीटर की ही दूरी पर है। और दोस्तों अगर हम रिहंद और दादरी के बीच में डिस्टेंस की बात करें कि आखिर इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है दोस्तों 814 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मतलब कि हमारी जो डीसी ट्रांसमिशन लाइन फैली हुई है ये 814 किलोमीटर की डिस्टेंस तक फैली हुई है। तो वही चीज मैंने आपको बताई थी अभी इस वीडियो के अंदर भी कि हमारी डीसी ट्रांसमिशन लाइन कहाँ उपयोग में ली जाती है, जहाँ पर हमारा जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है, लॉन्ग डिस्टेंस जहाँ पे हमको पावर ट्रांसमिट करनी होती है वहां पर हम डीसी सिस्टम को उपयोग ले रहे हैं। और अभी इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक एग्जांपल भी बता दिया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जुड़ा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो सर आप इन्हें देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।